बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद अचानक से अभिनेता सलमान खान और बिश्नोई समाज सुर्खियों में आ गए। एक इंटरव्यू में खास बातचीत में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया ने कहा कि सलमान खान अगर माफी मांगे तो बिश्नोई समाज उन्हें क्षमा कर सकता है, हालांकि इसके लिए उन्हें मुकाम में आकर अपनी गलती कबूल करते हुए माफी मांगनी होगी। ऐसा करने के बाद बिश्नोई समाज के प्रबुद्धजन आपस में बैठकर निर्णय ले सकते हैं कि सलमान को अपने 29 नियमों के तहत माफी दे दिया जाए। दरअसल साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान अभिनेता सलमान खान सहित कई फिल्मी हस्तियों पर हिरण के शिकार का आरोप लगा था। ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस घटना को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान के खिलाफ है। सलमान खान बाबा सिद्दीकी के करीबियों में से एक थे और सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। सलमान के घर पर भी कुछ माह पूर्व गोली चली थी। ऐसे में अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि सलमान खान को बिश्नोई समाज माफ करेगा या नहीं। इस बात को लेकर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया का कहना है कि 27 साल पुराने मामले में बिश्नोई समाज सलमान खान को शर्तों के साथ माफ कर सकता है। देवेंद्र बुड़िया ने कहा कि बिश्नोई समाज के 29 नियमों में से 10वें नंबर के नियम में गलती करने पर क्षमा करने का प्रावधान है। वो कहते हैं कि हमारे धर्म गुरु भगवान जम्भेश्वर जी ने 29 नियम बनाए थे। इनमें एक प्रावधान कहता है कि यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो वो अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है तो दया करके क्षमा किया जा सकता है। यदि मन में क्षमा भाव हो तो दया की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब मन में क्षमा की भावना लेकर कोई आते हैं तो समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठकर उन्हें क्षमा करने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं बिश्नोई समाज से जुड़े महिपाल बिश्नोई ने बताया कि अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के कांकड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। गांव के पूनम चंद और अन्य लोगों ने रात्रि में गाड़ी में लाइट जलता हुआ देखा तो उन्हें संदेह हुआ। लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो मौके पर देखा कि 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। पता चला कि जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार पर गए थे। बिश्नोई समाज के 29 नियमों का पालन समाज में शांति, प्रकृति प्रेम और धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये नियम जीवन के हर पहलुओं को छूते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत आचरण हो, प्रकृति के प्रति दायित्व या सामाजिक जिम्मेदारी हो। ऐसे में बिश्नोई समाज अगर सलमान खान माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ करता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई की जंग में आगे क्या होता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।